भारत ने एक के बाद एक अनेक निर्णय किए, उन फैसलों को जमीन पर उतारने के लिए भरसक प्रयास किया, सभी सरकारों को साथ लेकर के आगे बढ़ने में कोई कमी न रहे इसकी चिंता की। और जैसा आप जानते हैं, एक ऐसी बीमारी थी जिसका रूप रंग कुछ पता नहीं था, ये कैसे आती है, कहाँ जाती है, किसके पास पहुंचती है, कुछ पता नहीं था। तब जो भी आवश्यक निर्णय करने की जरूरत पड़ी, एक्सपर्ट की मदद से करते रहे। एयरपोर्ट के पर विदेशों से लोगों के आने वालों की थर्मल स्क्रीनिंग हो, विदेश में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने की बात हो, दुनिया के कई देशों से भारत में आने वाले हवाई यातायात को बंद करने का बड़ा कठिन निर्णय हो, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को इस महामारी से निपटने के लिए तैयार करने के लिए प्रयास मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को इस महामारी से निपटने के लिए तैयार करने के लिए प्रयास हो, हर स्तर पर भारत एक के बाद एक प्रोएक्टिव होकर के फैसले करता गया। राज्य सरकारों के सहयोग से इन फैसलों को गति भी मिली। भारत ने जितनी तेजी से काम किया है, जितनी समग्रता से काम किया है, होलिस्टिक अप्रोच के साथ काम किया है, आज उसकी प्रशंसा सिर्फ भारत में ही नहीं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने भी की है। तमाम देश एकजुट होकर कोरोना का मुकाबला करे, इसके लिए सार्क देशों की विशेष बैठक हो या G20 देशों का विशेष सम्मेलन, भारत ने इन सारे आयोजनों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस दौरान दुनिया के अनेक देशों के राष्ट्राध्यक्षों से भारत लगातार संपर्क में है, मेरी भी बातचीत होती रहती है, सभी ने भारत के प्रयासों की सराहना की है। और हम जानते हैं भारत एक विकासशील देश है, हमें पूरी तरह पता है कि हम गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने में व्यस्त हैं, हमारी पूरी शक्ति की प्राथमिकता वही है। लेकिन ऐसे समय जब ये संकट आ गया तो एकजुटता के साथ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हम निरंतर प्रयास करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, हमारे यहां शास्त्रों में बहुत बातें ऐसी होती हैं जो हर पल बहुत काम आती है। हमारे यहां कहा गया है, समानो मंत्र समिति ही समानी, समान मन सह चित्तम एषाम, यानी हमारे विचार, हमारे संकल्प और हमारे हृदय एकजुट होने चाहिए। यही एकजुटता, यही संकल्प भारत को विजयश्री प्राप्त करने में मदद रूप होंगे। वर्तमान परिस्थितियों में इस शक्ति का प्रभाव हम अपने चारों तरफ देख रहे हैं।